नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। बात हम यूके की करेंगे, ऑफर लेटर को लेके बात करेंगे। डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। हमें दी वीजा ऑफिस पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर ले फॉर लेटेस्ट एंड क्विक अपडेट। और किसी ने यूके का स्टूडेंट वीजा, स्पाउस वीजा, डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना है आपने, तो आप वीजा ऑफिस की टीम की हेल्प ले सकते हैं। स्पाउस वीजा का, डिपेंडेंट वीजा का हमारा सक्सेस रेट 100% है, स्टूडेंट का भी अबव 90 है, क्योंकि इंटरव्यू में 100% रिजल्ट आउटपुट नहीं निकलते, लेकिन फिर भी मोर देन 60-70% इंटरव्यू के बाद भी वीजे निकलते हैं। तो ये हमारी अकेली नहीं, पूरी मार्केट की सक्सेस रेशियो है कि स्टूडेंट वीजा में 90+ जो है वो वीजे निकल जाते हैं। सो स्टूडेंट वीजा यूके और किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो हमें 9041090410 पे कॉल कर ले। सो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था डेडलाइन को लेके कि डेडलाइन जो यूनिवर्सिटी की है वो पास में आ रही है, और अभी कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि जो यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर इशू करने की स्पीड है उसमें काफ़ी फास्ट हुआ है। मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी है कि अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट मेट कर रहे हो, क्योंकि ये देखिए लास्ट स्टेज है, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आ रही है तो डेडलाइन के पास हो, क्योंकि उनका पुराना जो सितंबर का कैश का प्रोसेस था ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कुछ एक दो रहता जिनके नवंबर के इंटेक थे, बट स्टिल अब उनका डिवीजन का डिपार्टमेंट फ्री हुआ है अगले इंटेक के लिए। हालांकि पहले भी ऑफर लेटर आ रहे थे, बट जब डेडलाइन पास में होती है तो नोटिस किया जाता है कि थोड़ी सी स्पीड उनके एडमिशन के डिपार्टमेंट वाले पकड़ते हैं, थोड़ी सी वो फास्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। यही कारण है कि अब यूके का जो ऑफर लेटर है वो फास्ट हो चुका है। हर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, कुछ इवन हमारे पास यूनिवर्सिटी है जिनका 3-4 दिन में भी ऑफर लेटर आ गया, लेकिन नॉर्मली तो 15-20 दिन लगते हैं। अभी के लिए क्या है कि 10-12 दिन के 15 दिन के अंदर अंदर के टाइम में, क्योंकि मिनिमम इतना लगता था, इसमें ऑफर लेटर आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात आती है कि अब नेक्स्ट एडमिशन वालों को क्या ऑफर लेटर तो आ रहे हैं क्योंकि डेडलाइन पास में है, तो नेक्स्ट एडमिशन जनवरी का भी बंद नहीं हुआ, ये और 15-20 दिन चलेगा। लेकिन मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था, ऑप्शन कम होते जाएंगे। देखिए यूके ऐसा है, मैं ये नहीं कहता जी 31 अक्टूबर की डेडलाइन निकलेगी तो आपके लिए यूके बंद हो जाएगा, यूके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चैलेंज जो है वो बढ़ जाएंगे जनवरी इनटेक है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ये जो 31 अक्टूबर जा रहा है, इससे पहले पहले आपको एनरोलमेंट करना जरूरी, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी स्पेशली कम मार्क्स है आपके, परसेंट वाइज स्कोर कम है, गैप ज़्यादा पड़ चुका है, आर्ट्स में बैंड भी सही नहीं है, इंग्लिश के स्कोर के ऊपर एडमिशन ले रहे हो, विदाउट आर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शन है वो बहुत कम रह जाएंगे। क्योंकि मेरे पास कॉल्स आती है, बच्चे मिलने आते हैं, अभी भी बच्चे सोच रहे होते हैं कि चलो देखते हैं, शायद कनाडा कर लें, 3 रिफ्यूज़ल लग चुकी है, एक और ट्राई कर लें या ना कर लें। तो देखिए चांसेस आप देख सकते हैं, अगर आपको चांसेस लगे तो ही ट्राई करने का फ़ायदा है, नहीं तो आज की डेट में अगर कनाडा से रिफ्यूज़ल आ चुका है, 2-3 बार आप ट्राई कर चुके हैं या गैप हट चुका है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए अब कनाडा जो है वो डायरेक्ट वे में नहीं है। आपको अल्टरनेटिव जो लोकेशन है, इवन चाहे यूएस की बात कर लो या यूके की बात कर लो, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, यूएस में डिफरेंस क्या है कि यूएस में 100% इंटरव्यू आता है और यूके में 10-15% अभी जो रेशियो चल रही है वो इंटरव्यू आएगा। तो मतलब अगर प्रोबेबिलिटी पे जाएं, वीजा के चांसेस पे जाएं, तो यस वेरी ऑब्वियस है कि यूके में वीजा के चांसेस या सक्सेस रेट स्टूडेंट वीजा का ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि जो यूएस का वीज़ा वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्रेपरेशन हम करवाते हैं, हम पूरी अच्छी प्रेपरेशन कराते हैं, प्रॉपर टीम जो है आपको गाइड करती है, सब कुछ बताते हैं, लेकिन प्रेपरेशन करवाने से सब कुछ नहीं होता, आपने वहाँ खुद को प्रेजेंट करके वो चीज़ें बतानी भी है, और कई बार क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है जिसके लिए हमें कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको पूछ लेते कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, तो एनुअल इनकम आपकी अगर 12 लाख है तो वो बाद में पूछ सकते हैं 5 क्वेश्चन के बाद कि आपकी जो फैमिली की मंथली इनकम क्या है। तो ऐसा नहीं कि आप सोचने में लग जाओ कि 12 लाख तो साल की थी, मुझे मंथली तो बताया ही नहीं गया। तो ये कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि अगर 12 लाख साल की है तो मंथली हमारी 1 लाख इनकम बनती है, तो उसको यूएस डॉलर में कितनी बनती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको, इतनी छोटी छोटी बातें हम काफ़ी हद तक बताते हैं, लेकिन हमें कॉमन सेंस भी वहाँ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। यूके में क्या है कि यूके में इंटरव्यू कम है, तो इसलिए वीज़ा के चांसेस जो है अच्छे खासे रहते हैं। नया एडमिशन जनवरी इनटेक का अभी भी चल रहा है, फुल फ्लेज चल रहा है, ऑफर लेटर फास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ कैश को लेकर मैं लास्ट में अगर अपडेट दूं, कैश लेटर को लेके कुछ बच्चों को चैलेंज आ सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज की है, उसमें जो विदाउट आयल्स वाले बच्चे थे उनके कैश लेटर होल्ड पे हुए, लेकिन जो विद आयल्स वाले थे उनके भी साथ में होल्ड में, क्योंकि यूनिवर्सिटी दोबारा से रिव्यू करती है केसेस को, और उसकी वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हो सकती है जहां पे आपको शायद कैश लेटर आने में अभी भी देरी हो रही है। लेकिन मोर ओवर अगर बात करें तो जो नवंबर इंटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी के एंड से डिले हो रहा है तो वो आपको एक्सटेंशन भी देते हैं। सो एक्सटेंशन है साथ
साथ में उम्मीद है कि अगले वीक से जो कैश लेटर का किसी को अगर इशू आ रहा है, तो काफ़ी बच्चों के कैश लेटर हमारे भी रुके हुए हैं, तो उनके कैश लेटर भी जो है वो फास्ट ट्रैक हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जनवरी का जो प्रोसीजर है वो फास्ट ट्रैक हो जाना है। तो यूके का डिविशन चल रहा है और स्पेशली विद स्पाउस वालों के लिए मैं कहूँगा गोल्डन चांस है। स्पाउस का हमारा एक भी वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है। सो अगर आप वीज़ा ऑफिस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।